नगर के प्राचीन सिद्ध स्थल पबई के हनुमान भाटा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 111 दिवसीय अखंड श्रीराम संकीर्तन महायज्ञ की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 दिवसीय अखंड श्रीराम संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन किया गया। सोमवार 23 जनवरी को अखंड रामधुन की बैठक हुई और मंगलवार 24 जनवरी को अखंड रामधुन का समापन हुआ। पश्चात भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें नगर सहित आसपास क्षेत्रों के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और पुण्य लाभ लिया, प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक आयोजन में संजय नगाएच, पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष पन्ना, हनुमान भाटा लोक कल्याण समिति एवं धर्म प्रेमियों का योगदान रहा। आप सभी जानते हैं ये हनुमान भाटा प्राचीन सिद्ध स्थल है, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा रही। ये सब जो हमारी टीम बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इन सब के मेहनत परिश्रम, पूरे पबई क्षेत्र के श्रद्धालुओं की मेहनत परिश्रम से, परिश्रम और भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में 111 दिन की रामधुन 2014 और 15 में हुई थी, उसकी 9वीं वर्षगांठ पर आज ये भव्य और दिव्य 2 दिवसीय अखंड रामधुन का कार्यक्रम और भंडारा आयोजित था। इसमें पूरे क्षेत्र भर के श्रद्धालु, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि संक्रांति के पर्व पर ये वर्षगांठ करते हैं, इसलिए संक्रांति की समरसता खिचड़ी भी इस भंडारे के प्रसाद में वितरित की जा रही है और ये आज कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहा है। इसमें पूरे क्षेत्रवासियों का, हनुमान भाटा लोक कल्याण एवं धर्मार्थ समिति के सभी सदस्यों का भी बहुत सहयोग रहता है, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। पबई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।